उम्र महज एक आंकड़ा होती है और ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे सही साबित करते हैं और यूं कहें कि बात उन पर बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। अब इस बयान पर गौर करिए, आई एम एट लेवल 43 नॉट एज 43। ये बयान है भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का। बोपन्ना ने शनिवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया। मेलबर्न में खेले गए खिताबी मुकाबले में बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इब्डेन ने साथ मिलकर सिमोन वोलेली और आंद्रिया बावासोरी को खिताबी मुकाबले में मात दी। बोपन्ना की ये जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है और जीत बिल्कुल ऐतिहासिक है क्योंकि बोपन्ना का ये मेंस डबल्स में पहला खिताब है। 2003 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बोपन्ना और इब्डेन की जोड़ी ने 7-6, 7-5 से जीत हासिल की। ये मैच 1 घंटे 39 मिनट तक चला। दोनों सेट टाई ब्रेकर में गए जहां बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ने शानदार जीत हासिल की। ये बोपन्ना का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। बोपन्ना ने साल 2017 में फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स में खिताब हासिल किया था। उस साल बोपन्ना ने कनाडा की महिला खिलाड़ी गैब्रियला दाब्रोस्की के साथ मिलकर खिताब जीता था। पिछले साल भी बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीत के ऑलमोस्ट करीब आ गए थे। उन्होंने मेंस डबल्स में पिछले साल यूएस ओपन में फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके और फाइनल में हार गए थे। 2023 और 2024 में मेंस डबल्स के अलावा बोपन्ना ने साल 2013 में भी यूएस ओपन के मेंस डबल्स के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी लेकिन वहां भी वो जीत हासिल करने से चूक गए। यानी ये बोपन्ना का तीसरा मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम फाइनल था और 43 साल की उम्र में वो ये खिताब जीतने में सफल रहे। इसी के साथ बोपन्ना मेंस टेनिस में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने जीन जूलियन रॉजर का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2022 में मार्सेलो अरेबोला के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स ट्रॉफी जीती थी। बोपन्ना से पहले भारत के लिए मेंस डबल्स का खिताब लिएंडर पेस और महेश भूपति ने जीता था। इस जीत के बाद बोपन्ना भावुक हो गए। उन्होंने जीत के बाद कहा कि 2 साल पहले संन्यास के बारे में वो सोच रहे थे क्योंकि वो मैच नहीं जीत पा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो 5 महीने से मैच नहीं जीत पा रहे थे और इससे उन्हें काफी निराशा हो रही थी। उन्होंने अपने टेनिस सफर को खत्म करने के बारे में सोच भी लिया था लेकिन उनके अंदर की भूख और डिटरमिनेशन ने उन्हें अपना सफर जारी रखने के लिए कहा। बोपन्ना ने अपने टेनिस पार्टनर की तारीफ भी की और कहा कि काफी चीजें बदल गई हैं और उन्हें एक शानदार जोड़ीदार मिला जिनकी मदद से वो ये खिताब अपने नाम कर पाए। देखा जाए तो बोपन्ना के लिए बीते कुछ साल शानदार रहे हैं। फाइनल में पहुंचते ही उनका नंबर एक बनना तय हो गया था और सोमवार को जारी होने वाली ATP रैंकिंग में वो नंबर एक खिलाड़ी भी बन गए। 43 साल की उम्र में नंबर एक की रैंकिंग हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी वो बन गए नंबर एक पायदान पर पहुंचने वाले। यानी कि 43 साल की उम्र में नंबर एक खिलाड़ी कोई नहीं बना था। इसके अलावा भारत सरकार ने बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड देने का भी फैसला किया है। 2003 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज 43 साल की उम्र में पहला डबल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। इसीलिए हम आपको शुरुआत में कह रहे थे कि उम्र महज एक आंकड़ा होती है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे सही भी साबित करते हैं और उनकी जिंदगी पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। बहरहाल बोपन्ना की इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।